मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के परिणाम आ चुके हैं और ऐसे में 10 टॉप 10 में 7 लड़कियां मध्य प्रदेश पीएससी में फाइनल हुई है। उनमें से हमारे रायसेन शहर की अंकिता पाटकर भी आई है जो टॉप 10 की लिस्ट में है। उन्होंने 1500 में 942 अंक प्राप्त किए हैं। हमारे साथ अंकिता मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अंकिता, सबसे पहले INH में आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सर। कैसा रहा ये सफर? आपने कभी कुछ सोचा होगा क्योंकि आप पहले से ही सर्विस में थी। जी सर। तो कहां से ये भाव आया कि आपको पीएससी की तैयारी करनी है? सर, बचपन में तो मुझे यह था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में रहना है, तो मुझे हमेशा से, मैंने पढ़ाई में हमेशा अपना जो होमवर्क वगैरह है और हर चीज़ में मैं एक्टिव रहती थी कि पढ़ाई अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद सर, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2018 में, उसके बाद सर मेरा कलेक्टर महोदय के साथ मिलना हुआ था, तो उस समय मुझे लगा कि समाज में एक अच्छा, मतलब ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है और समाज में काम करने का मौका भी मिलेगा। तो सर मैंने डिसाइड किया और MP गवर्नमेंट की ही फ्री कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया और वहां पर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो सर सफर अच्छा रहा, बस जो इन बिटवीन जो कोरोना में लॉकडाउन रहा उस समय सर कोचिंग्स वगैरह बंद हो गए थे, तो मैंने फिर रायसेन में ही घर पर रहकर ही पढ़ाई की थी यूट्यूब आदि के माध्यम से। और इन सब से ही सर मेरे जो मेंटर्स रहे, मेरे माता पिता, भाई बहन, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और सर नवोदय में भी काफी अच्छे टीचर्स रहे, तो उनने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था हमेशा से। और भोपाल में भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मेंटर हैं मेरे राकेश नागर सर हैं, विकास सर हैं, और CM पटेल सर हैं, CK शर्मा सर हैं, जितेंद्र सर हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे योगदान दिया। इंटरव्यू के टाइम भी काफ़ी गाइडेंस दिया। उस समय मैं अपने कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील करती थी, पर मॉक देते देते काफ़ी मैंने बूस्टअप कर लिया था। तो सर प्रीलिम्स में तो मैंने अपने सेल्फ स्टडी से ही किया, पर मेंस के समय थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह में मैंने अपना दर्पण में डेली टेस्ट सीरीज लगाया था। तो सर ओवरऑल मैंने किया सेल्फ स्टडी, पर सबका योगदान रहा उसमें, तो सर सबको ही श्रेय है इसका। क्योंकि आप पहले से सर्विस में थी तो लगभग सर्विस में टाइम देना और ऐसे में आपकी पीएससी की तैयारी की जो भाव थे, तो कैसे मैनेज करती थी, कितना टाइम आप देती थी पढ़ाई के लिए? सर मैंने जून 18 से तैयारी शुरू कर दी थी और 19 में पहला अटेम्प्ट में टारगेट कर रही थी। तो उस समय तो मैं 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ी हूँ 3 से 4 साल, पर मेरा लास्ट 2022 में प्राइमरी टीचर के पद पर चयन हो गया था, तो उस समय फिर कम समय मिल पाता था, तो 4 से 6 घंटे सुबह मैं 6 बजे उठ के 6 से 10 पढ़ने की कोशिश करती थी और शाम को भी 6 से 12 मतलब ऐसे समय निकालती थी। और फिर उसके बाद अभी मेरा जो पटवारी वाला एग्जाम भी दिया था, तो उसमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर हुआ था, तो उसमें भी मैं सुबह के समय 3 घंटे और शाम के समय 5-6 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी और अपना समय निकालती थी। तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर श्रेय सभी को जाता है, मेरे परिवार में माता पिता हैं और मेरे भाई बहन, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और जो मेरे मेंटर रहे नवोदय में टीचर्स रहे, और जो भोपाल में मैंने जहाँ जहाँ से टेस्ट सीरीज वगैरह की तो वहाँ पर भी काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि मेंस के आंसर्स मेरे काफ़ी बूस्टअप हुए, मॉक्स भी मैंने काफ़ी कोचिंग्स में दिया, जैसे कि सर धेय IAS में और दर्पण सिविल सर्विसेज में और SSN कोचिंग है, भोपाल अकेडमी है, तो सर सबका योगदान रहा उसमें। तो ये थी अंकिता पाटकर, इनका साफ साफ कहना है कि मैंने ये जो अपना श्रेय देती हैं अपने माता पिता और भगवान को देती हैं, और वैसे में जो सर्विस करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी सफलता अर्जित की है, इसके लिए पूरा रायसेन शहर बहुत गर्व में है। मैं संजय चौहान, INH रायसेन।